ये चीज तो मैंने आपको बता दी है। फिर दूसरी बात ये है कि उसमें एक हदीस बताई थी कि इब्ने साद करके एक सहाबी है शायद, उनका नाम थोड़ा सहाबी का नाम है दिमाग में नहीं आ रहा, उनकी वाइफ को उन्होंने चाटा मार दिया था। तो वो अपने अब्बू के पास गई और बोला कि मुझे चाटा मारा है। तो उनके अब्बू अल्लाह के रसूल के पास शिकायत लेके आए थे कि मेरी लड़की को आपके सहाबी ने चाटा मार दिया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बदला लो, आप भी मारो, है ना। तो मतलब अल्लाह के रसूल इंसाफ पसंद थे ना, तो आप भी मारो। तो उसी टाइम वही आई कि नहीं, औरत आदमी को नहीं मार सकती। अब इसमें क्या जाहिर होता है अपने सामने कि औरत कमजोर है। मतलब कि देखो अल्लाह ने औरत को मना कर दिया कि आदमी औरत पिटे सिर्फ, है ना, आदमी को नहीं। अपने दिल में क्या ख्याल आता है, देखो औरत अल्लाह ने ऐसा मना कर दिया कि औरत सिर्फ पिटे और आदमी से लात जूते खाए आदमी से और चुपचाप रहे, ऐसा नहीं। अल्लाह ने इसलिए मना किया था कि प्रोटेक्शन, कि औरत आदमी को अगर पलट के मारती है तो क्या कर लेगी, पावरफुल तो है नहीं, एक चांटा मारे भी देगी तो खुद कहाँ सजा बैठेगी। और इस चक्कर में आदमी और भड़क बैठेगा, भड़केगा तो और ज्यादा मारेगा। तो इसमें औरत की प्रोटेक्शन भी है। और हाँ, मारने से मत मुराद ये है कि ऐसा नहीं मारना कि उसके हड्डी पत्थर तोड़ दो या कोई निशान छोड़ दो या मुंह पे मारो, ऐसा नहीं। चमकाना, डराना है ताकि वो अपना घर बचा ले और घर की तरफ वापस आ जाए, ये आयत का मतलब था। दूसरी बात इसमें ये भी है कि अल्लाह ने उन मर्दों को भी धमकाया इस आयत में कि हमने तुमको इजाजत दे दी है औरत को मारने की, मतलब ये नहीं कि तुम उनको जलील करते जाओ, मारते जाओ, सिर्फ डराना है। और मिसवाक जैसी चीज से, मतलब एक थप्पड़ अपन मार रहे हैं, मिसवाक जैसी चीज से उसको मारो ताकि वो घर बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले। और अगर तुम ज्यादा जलील करते हो इस आयत की, मतलब मेरे को अल्लाह ने आयत दी है हम तो मारेंगे, तो फिर अल्लाह आप पे कादिर है, आपको कुदरत रखता है, आपको पकड़ लेगा। मतलब अल्लाह फिर मर्दों को पकड़ेगा, अगर मर्द ज्यादा वो करेंगे तो फिर मारेंगे कूटेंगे। ये मेरा कहना था आपसे, अब अल्लाह आपको हिदायत दे, आप अच्छा जो समझे वो समझो। बोल बोलिए अब आप आपने बोलिए, अब आप बोलिए जी। मैम, बिल्कुल बोलिए, अब मेरा मैं अब आपसे आपकी एक सुनूंगा। सवाल है, आप कहाँ, इंडिया के हो ना आप? जी मैम, इंडिया का ही हूँ मैं भी। किसी बाहर के मुल्क में गए हो कभी? मैम अभी तो नहीं गया मैं किसी मुल्क में। इंडिया में अगर आप किसी औरत पे हाथ उठाते हो, चाहे वो उम्र हाँ क्यों ना हो, क्या होगा आपके साथ? हाँ मैम, गलत, वो तो फिर उस पर केस हो जाएगा ना मैडम, औरत की सुनवाई होती है ना इंडिया में, बिल्कुल होगी और बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो फिर आपका कुरान की तो कोई हैसियत नहीं रही है फिर, है ना? मैम देखिए, जो मैंने आपको कुरान की आयत बताई है, मैंने इस हिसाब से बताई है कि ये उन औरतों को मारने के लिए लिखा है जो औरत बदकारा है, बेवफा है, जो औरत हाँ से तो भाई एक आदमियों से सेकेंड, मुतलक अच्छा ठीक है ठीक है, है ना, आपने बोल दिया ठीक है, आप पहली बात। ठीक है, मुताबिक इनके मुताबिक मैं समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं, आप मुझे बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। इनके मुताबिक औरत को आप मार सकते हैं एज लॉन्ग एज, और पहले नहीं मार सकते यानी, और सिर्फ उन औरतों को मार सकते हैं जो बदकारा हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रही हैं, सारी औरतों को मारने का नहीं है। अब अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन औरतों की देखें और उसमें चलो हम 30% भी निकाल लेते हैं जो बदकार हैं औरतें, ठीक है ना, 30% औरतें हैं इस वक्त जो बदकार औरतें हैं, इनके इनके लिहाज से बदकार औरतें हैं, यू नो क्यों क्यों ये हमें नहीं पता। अब हमें ये भी नहीं पता है कि किस रीजन पे किसने मारना है उसको, किसको क्या बात नहीं पसंद आ जाए, या कोई किसी शक की बिना पे वो करे, फिर ये कहते हैं कि मुंह पे नहीं मारना है और हड्डी पसली नहीं तोड़नी है। मुझे अब आप एक बात बताइए कि आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग यहाँ पर लड़ाई में तो कभी ना कभी घुसे होंगे, जब आपकी कभी लड़ाई होती है क्या आप उस वक्त सोच के मार रहे हो तो कि मैं इसके मुंह पे मारूं या मैं इसके पेट में मारूं या मैं इसको, और अगर आप मारते भी हो, मर्द, इन्होंने खुद ही कहा औरत मर्द से कमजोर होती है, ठीक है, तो और इनका कहना ये है कि औरत मर्द से कमजोर होती है, तो अल्लाह मियाँ ने पहले ये कहा कि मार सकते हैं, फिर उन्होंने अल्लाह मियाँ ने कहा कि नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो कमजोर है और मर्द भड़क जाएगा अगर वो मारने की कोशिश करती है। अगर वो ऑलरेडी कमजोर है आपसे, तो अगर आप उसको एक चमाट मारोगे तो वो तो वैसे ही जमीन पे पड़ी हुई होगी, उसने कौन सा आपको मारना है, और अगर वो उठ के खड़ी भी होती है तो वो मर्द तो स्ट्रांग है, वो कंट्रोल कर सकता है उसको, तो आपका मर्द, आपका खुदा ये कहता है कि एक कमजोर चीज जो है उसको दबाओ, तुम्हारे लिहाज से अगर वो गलत है तो उसको मारो, ये नहीं कहता आपका खुदा कि अगर खराब औरतें और आपकी नहीं बन रही है तो उनको तलाक दे दो, उनको छोड़ दो। आपका खुदा कहता है नहीं, आप उनको मारो और ऐसे मारो, मगर ऐसे मारो। तो 30% जिस वर्ल्ड की मुसलमान औरतें हैं वो पिट रही हैं क्योंकि इस आयत से, मगर अगर वो सेक्युलर कंट्रीज में बैठी हैं, बाहर मुल्कों में, इंडिया में, तो क्योंकि वहां पे इंसानियत को पहले देखा जाता है, वहां पे इन मुल्कों में, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, मगर कैनेडा में अगर एक कुत्ते को भी इंसान मारता है, कुत्ते को, मैं कह रही हूँ कुत्ते को भी बाहर इंसान मारता है या कुत्ते को कोई कुचल के चला जाता है,
तो उसके ऊपर भी ये काफिर लोग आते हैं और तहकीक करते हैं और पकड़ते हैं उस बंदे को, क्योंकि काफिरों की नजर में एक कुत्ते की लाइफ भी जो है ना इम्पोर्टेंट है। एक वो समझते हैं कि एक जानवर को भी अगर फिजिकली मारा जाए तो तकलीफ होती है, वो भी फील करता है, और फिजिकली सिर्फ मारने से औरत की सिर्फ फिजिकल उस पे चोट नहीं आती है, औरत की जितनी सेल्फ एस्टीम होती है उस बंदी के अंदर वो आप तोड़ रहे होते हो उससे। आप मुझे बताओ किसी औरत के साथ जिसको आप पीट रहे हो, हाँ जो बदकारा औरत है क्योंकि छोड़ तो आप रहे ही नहीं हो, क्या वो आपके साथ प्यार करेगी? और फिर उस औरत को उसी बंदे के साथ सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं सोएगी उसके साथ तो सारी रात उस पे एंजल्स जो है वो लानते भेजेंगे, और फिर वो सुन नहीं रही है तो आपका मर्द फिर मार सकता है आपको, क्योंकि वो सुन नहीं रही है, वो शीज नॉट पुटिंग आउट, वो आपको दे नहीं रही है। तो ये लॉजिक है आपकी, आपका कुरान यानी एक औरत को कुत्ते से भी, बस कुत्ते को तो हराम ही करार दे दिया है, उसको एक जीती जागती इंसान, आपके कुरान ने औरत को एक इंसान ही नहीं समझा है। जहां देखो एक औरत को किसी चीज से कंपेयर किया है, औरत एक चीज नहीं है, मैं बार बार ये बोलती हूँ, हेलो औरत एक हेलो, चीज नहीं है। जी आवाज आ रही है आपकी, अब औरत बोलूँ एक मैं? इंसान है। आप बोल सकते हैं औरत एक इंसान है? नहीं, आप बोलने कहाँ जा रहे हैं? आप बोले ना, आप बोल सकते हैं औरत एक चलो इंसान है। ठीक है ना, वो तो मेरे को तो मार, वो तो मुझे मालूम है ना मैडम, मेरी बात तो सुनिए आप। नहीं, अब आप आप मुझे ये थोड़ा, बताइए, एक सेकंड एक सेकंड, मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ फिर आप आप जवाब देना, एकदम, ठीक है? एक सेकंड, आपकी, ये मैंने आपको आपके पता है, जवाब दिए हैं, ये तो मैंने आपके आप एकदम जवाब हैपर हो दिए, जाते हो। आपको अब जवाब आपको देना, पता है, मैंने आप आपकी एक चीज देखी है, आप एकदम हैपर हो जाते हो, एकदम हैपर हो जाते हो। मैंने इसके आपसे बाद अगर क्या ढंग से, बोला है, सुनो मेरी बात अर्श पठान जी, आप फिर मैं बोलूंगी मैं क्यों हाइपर होती हूँ, ये भी सुनो। अगर आप मेरी जगह यहाँ बैठे होते ना, अगर आप रोजाना बैठ के पांच पांच एथियस से डिबेट करोगे ना, और वो आपका सर घुमाएंगे, जलेबी देंगे आपको, और मुझसे पूछो, जब मुझे पांच छह मर्द बैठ के यहाँ बोल रहे होते हैं कि औरत को मारना सही है, मेरा खून खौलता अरे है। यार मैडम, आप कहाँ लेके बैठे हो? आप बात ही नहीं समझते हो यार, आप नहीं, बात ही नहीं समझते हो। आप तो बस, मैं बात समझ आप रही हूँ बात तो आपकी, समझे, आप बात मैं तो ठीक से समझे, बात को समझे आपको बता रही हूँ मैं हाइपर क्यों होती हूँ, क्योंकि आप लोग बात नहीं करने देते हो, आप लोग जो आप ही नहीं करने जा रहे हो, आप समझ ही नहीं रहे हो। हो, नीचे बैठो आप समझते हो कि मैं औरत हूँ तो आप मेरे पे भी ऊपर चढ़ के जाओगे, समझ में आई ना? मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं बहुत ही बद किरदार, बहुत ही खराब औरत हूँ, मैं वो औरत हूँ जिसके लिए आपकी कुरान में लिखा है इसको मारो, जी मैं वो औरत हूँ, समझ में आई ना आपको? तो आप मेरे पे चढ़ाई नहीं किया करो यहाँ पर आकर, मेरा दिमाग इसी वजह से घूमता है क्योंकि मैं दिन भर बैठ के ना आप जाहिरों से डील करती हूँ जो कहते हैं औरत को मारो। 2022 में जा रहे हैं, अब हम 2022 में जा रहे हैं, हम कदर कर लो, तुम्हारा कुरान एक औरत को यानी वो कुत्ते को भी नहीं राइट देता, और तुम कहते हो रहमतुल आलमीन है? कौन का रहमतुल आलमीन? जालिम खुदा है तुम्हारा, तो तुम्हारे खुदा के अंडर इसी वजह से तो मैं नहीं रही, क्योंकि उसने जुर्म किया मुझ पे, और तुम जैसे मर्द तुम करते हैं, तुम जरा दिखाओ ना भैया, इंडिया में बैठ के सेक्युलर कंट्री में आप मेरा काम क्यों नहीं करते, आप शरीयत वाली कंट्री में जाके बैठे हैं, वहां पर आपको सही मिलेगा। तो आपको मैं लास्ट वर्ड दे रही हूँ, आप अपना बाकी का भी पर्दाफाश करें। हेलो हेलो, जी बताइए, हाँ मैम जी सुनिए बोले मेरी बोले, बात। अब मैं बोलूँ आराम से, आप सुनेंगे पहले किंग मुझे। वोर्टेक्स माइन के चैनल पे जाएगा, प्यार से लेगा, क्या लेगा प्यार से, क्या लेगा प्यार से, जी बोलिए बोलिए। चलो मैं बोलता हूँ, है ना। अब वो किसी के कमेंट्स मत पढ़िए, वो कुछ भी बोल रहे हैं उनको मत सोचिए। आप मेरी बात सुनिए। आप ये आयत जो मैंने बताई थी, आप एक चीज को पकड़ रहे हो, मारो मारो मारो, औरत को मारते हैं, औरत को पीटते हैं। उस आयत में ये बोला गया है कि पहले नाराजगी जाहिर करो, ठीक है, नाराजगी जाहिर करो, पहला पहली स्टेज। उससे भी ना माने तो बिस्तर अलग कर लो। और औरत कोई भी होगी, उसका शोहर अगर उससे नहीं बात करेगा, मुंह फेर के सो जाएगा, तो कोई भी औरत सुधर जाएगी। दूसरी, वो घर बचा ले, है ना, घर बचा ले। और अगर फिर भी नहीं मानती है, तो फिर मारने का हुक्म है। मगर मारना ऐसा नहीं कि उसको तोड़ दो, या हड्डियां तोड़ दो, या मुंह पे मारो, या निशान छोड़ दो। चमकाना, डराना, मतलब एक मिसवाक कितना छोटी सी चीज आती है जिससे अपन दांत मांजते हैं, आप समझते होंगे, मिसवाक तो देखा ही होगा आपने। उस तरीके से मारो, मतलब एक संटी छोटी सी होती है ना, ऐसे मारना है, जैसे एक बच्चे को मारते ना, इस तरीके से मारना है, ठीक है। तीसरी अच्छा बात, तो आप मेरी नहीं, बात आप सुनिए, पहले पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मैडम, प्लीज। क्या बोल रहे हो, वही चीज आपने रिपीट की है दोबारा से, ये करो वो करो, हम मारने पे इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमें आपकी नाराजगी से नहीं है, लोगों के झगड़े होते हैं मियां बीवी के, नाराजगी हो जाती है, लोग नहीं सोते हैं साथ में,
उसके बाद अगर आपकी नहीं बन रही है ना, तो बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि वो लोग जो है ना काउंसलिंग के लिए जाते हैं। अगर काउंसलिंग भी काम नहीं करती है ना, तो यहाँ पे मियाँ जो है ना पीटना नहीं शुरू कर देता जबरदस्ती अपनी बीवी को, नहीं तू मेरे साथ ही रहेगी, तू कैसे निकलेगी यहाँ से, फिर वो डिवोर्स कर लेते हैं। मगर आपके अल्लाह ने वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ी, तो हम उसी को पकड़ेंगे ना जो चीज खराब है। मुझे आपकी वो उसको समझाने से, उसे अलहगी करने से प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम उसके बाद आ रही है। अब फिर आप कहते हैं मरो भी ऐसे नहीं। अच्छा एक काम करो, आप एक काम करो, भोपू उठाओ, इंडिया में जितने मुसलमान है ना उनके सबके घर में जाओ और उन सबसे पूछो कि किस तरह से मारना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को पता है कि आपकी जस्टिफिकेशन की वजह से ना औरतें पिट रही हैं, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि औरतें पिट रही हैं। अब बंदा जाके मसवाक ढूंढेगा पहले, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, लेट मी फाइंड अ मसवाक फर्स्ट, पहले मैं ऐसी चीज ढूंढूं जिससे इसको चोट ना लगे, पहले मैं ढूंढ लूं वो चीज। सबसे पहले बंदा अपना हाथ उठाता है और थप्पड़ मारता है हाथ से, समझ में आई नहीं, लॉजिक की बात है ये। तो आप यहाँ बैठ के वही चीज दोबारा से बोल रहे हो, फिर कहते हो हाइपर क्यों होती हो, भाई वही आर्ग्यूमेंट आप बार बार वही बोले जा रहे हो, इससे आगे बढ़ो आप। यहाँ पे कह रहे हो कि औरत को मारना एट दी एंड, चाहे जो भी है, तलाक नहीं दो मगर औरत को मारो, मगर ऐसे मारो कि उसकी हड्डी पसली ना टूटे और मुंह पे नहीं, और उसको ढूंढो जाके मसवाक से मारो। ये मिसवाक प्रॉब्लम एक है आपकी, एग्जाम्पल है। मिसवाक से आपको मारो, यूं बोला नहीं कह ना रहा हूँ कि मिसवाक को ढूंढो, मिसवाक को ढूंढ के नहीं मारो। मैंने यूं नहीं कहा कि मिसवाक ढूंढो के ढूंढना पड़ा या मिसवाक खरीदने जाएंगे वाला मसला नहीं है। मिसवाक एक तो एग्जाम्पल दिया मुझे कि इतनी बताया छोटी जरा चीज कि से, मर्द किससे इतनी मारेगा, छोटी फिर चीज किसको होना चाहिए। मारेगा। अरे भाई मुझे ये बताइए, जब कोई मारने जा रहा होता है किसी को, क्या वो सोचता है कि वो कहाँ मारेगा, और या क्या अरे तो किस चीज को भैया, तो मारेगा। तभी तो बोला है, तो ये हुक्म तभी तो दिया है कि मर्द ऐसा ना मारे। ये हुक्म इसलिए तो दिया है कि वो मालूम है जब कि मर्द मारेगा मर्द तो फिर गुस्से कहीं में नहीं है देखेगा। या औरत गुस्से में, कभी आप गुस्से में आए जब हो मारने, कोई भी आपने गुस्से में हाथ उठाया आएगा, होगा, अगर तो मेरे फिर गुस्से, तो आप हाथ उठाओगे, जब चलो आप मर मैं जाओगे। मर दूं, चलो 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 ठीक है, मैं मर दूं। अगर मैं मारने पे आऊंगा तो मैं कुत्तों की तरह मारूंगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कुत्ते जैसा मारूंगा, तोड़ दूंगा पूरा, ऊपर से नीचे तक लाल कर दूंगा। तभी तो हुक्म दिया है कि ऐसा मत मारना, नहीं तो पकड़ ले तुम्हारी। अगर तुम इस तरीके से मारोगे तो अपने ओ हद में रहो, भाई मारना ही हद क्यों में है रहो। तुमने, तुमने औरत को मारना ही क्यों है, मुझे गांड में आग सुनो इस वजह ना, से लग रही है कि तूने ये कह सुनो, रहा है औरत को मारना हाँ क्यों है। हाँ तो व्हाट, बता रहा हूँ ना, इसके बाद भी बता रहा तलाक हूँ, क्यों, बता रहा। छोड़ क्यों, उसका पीछा छोड़ दो, तलाक क्यों देनी, यानी व्हाई डू यू हेट अब सुनो, अब सुनो, सुनो, ठीक है देम, ना। अब क्यों आप ये बोल रहे हो बताती हो। तलाक मारने क्यों है, चलो बताता हूँ मैं ना क्यों मारना है। मारना इसलिए है कि उसका घर बच जाए, ठीक है, मतलब अपना घर बचा ले, वो अपने घर तरफ लौट के आए, बदकारी छोड़े और बदतमीजी छोड़े, बस छोड़ के आए। मतलब इस मारना को ऐसा आपको बता दिया मैंने, मारने की कैसे आपको कैसे मारना है, ठीक है। आपको फिर क्या लगता है, आपको कोई मार के चौथी बार जाएगा ये आप उसको चीज, प्यार करोगे? अरे ठीक, मुझे बताओ, आपको कोई मारता है कुटता है खूब, आप उसको प्यार करोगे नफरत करोगे? कूटता मैंने कब बोला कि भयंकर कूटना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस तरीके से मारना है कि उसको भाई आपके चोट ना आए मुसलमान और हड्डी मोमिन ना ये नहीं टूटे। सोच रहे, आपके मुसलमान मोमिन ना आपकी बात नहीं समझते हैं, वो उठाते हैं और पीटते हैं अपनी वाइफ को, और हाँ इस तरह उठते वो एक हैं बात अलग है, धोते हैं, जला दिया है, वो मार दिया है, खपा दिया जाहिल है, है, वो ढूंढ वो जाहिल है, जाहिल वो है या जो नहीं, आप जाहिल है भाई, जाहिल है, जो इसको वो जस्टिफाई जाहिल है। कर रहे हैं आप जाहिल हैं, अच्छा और जो यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि मारो, मगर ऐसे मारो, ढूंढो पहले कि मसवाक है कि नहीं, क्या आप नहीं चुपचाप सुन रहे, बातें हो रही है, आपने कहाँ से आते हो? नहीं आप नहीं सुन रहे, तो आप जाहिल मैडम आप हुए, आप बात ही नहीं सुनते हो पूरी। मैं सुन रही हूँ आपकी बात, और मैं ऐसे मुल्क में बैठी हूँ, आप भी ऐसे मुल्क में बैठे जाहिल हो, आप औरत को हाथ भी जाहिल, लगाओगे ना, आप औरत को हाथ भी लगाओगे ना, तो आपको जेल में उठा के डाल दिया जाएगा, समझ में आई ना? मेरे को मत बोलना जाहिल मैं हूँ, जहालत तुम दिखा रहे हो यहाँ पर अपनी। ये हजारों लोग जो देखेंगे ना ये वीडियो, वो तुझको जाहिल समझेंगे, मुझे नहीं समझेंगे कि तू यहाँ बैठ के जस्टिफाई कर रहा है, एक औरत को मारो, एक औरत को मारो, एक्सक्यूज ही ढूंढ रहे हो तुम, छोड़ दो, तलाक दे दो, मारना क्यों है तुमने? तेरी प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारी तरह क्यों लाइफ जिए? व्हाई डू वी हैव टू लिव लाइक यू? तू जैसे चाहे वैसे औरत जिएगी, चल निकलो यहाँ से, बस आपको बहुत टाइम दे दिया।